हाय फ्रेंड्स, मैं पूनम ज्ञान नितिन क्रिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज मैं आपके लिए कितना खूबसूरत डिज़ाइन लेकर आई हूँ। सिंपल टू रोज का ये डिज़ाइन है। ये इसकी फ्रंट साइड है, राइट साइड, और रॉन्ग साइड से ये ऐसे दिखाई देता है। इसमें 4 के मल्टीपल्स पड़ते हैं, तो मैंने इसमें 34 स्टिचेस डाले हैं। 4 के मल्टीपल्स 32 प्लस 2 एस स्टिचेस, एक स्टार्टिंग का और एक आखिर का। देखिए कितना खूबसूरत है। इसको आप किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं, बेबीज फ्रॉक, लेडीज कार्डिगन, जेंट्स स्वेटर, और सब में बहुत अच्छा दिखाई देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एस स्टिच को हम उतार लेते हैं, धागा आगे करके फर्स्ट और सेकंड स्टिच के बीच में से स्टिच निकालेंगे और फिर इन दोनों को इकट्ठा नीट कर देंगे। उसके बाद इन दो स्टिचेस को ड्रॉप नहीं करेंगे, धागा आगे करके तीसरा भी ले लेंगे इसके साथ और तीनों को एक कर देंगे। तो ये 3 स्टिचेस के 4 बन गए और चौथा स्टिच हम उल्टा बुन लेंगे। तो एक सेट कंप्लीट हो गया। तो इसमें मेरे एक फंदा पड़ गया है। ये तो एस स्टिच है, 2, 4 और 1, 5 हो गए, जबकि हमारा ये डिज़ाइन 4 स्टिचेस का है। तो ये इस रो में एक एक फंदा बढ़ जाएगा। अब इस धागे को हम आगे रखेंगे और इन दो में से एक कर देंगे, फिर इन दो को पीछे से एक कर लेंगे, धागा आगे करेंगे, इसको ड्रॉप नहीं करेंगे इन दोनों को, और इसके साथ ही तीसरे स्टिच को ले लेंगे और 3 का एक कर देंगे। 4 स्टिच को हम उल्टा बुन लेंगे। इसको ड्रॉप नहीं करेंगे, इन दो के साथ अगला स्टिच लेके तीनों को एक कर देंगे। 4 स्टिच को हम उल्टा बुन लेंगे। तीनों का एक कर देंगे, स्टिच को उल्टा बुन लेंगे। तीनों को इकट्ठा बुन के 3 का एक कर देंगे उल्टा बुन के, और 4 स्टिच को उल्टा बुन लेंगे। फिर से देखिए, बीच में से हम स्टिच निकाल लेंगे और इन दो को पीछे से एक करेंगे, धागा आगे करेंगे और तीनों स्टिच को एक कर देंगे, फिर ड्रॉप करेंगे, 4 स्टिच को उल्टा बुनेंगे। अब हमारा ये लास्ट सेट है, इसको ध्यान से देखिए। ये धागा हम आगे ही रखेंगे और दोनों फर्स्ट और सेकंड स्टिच के बीच में से एक स्टिच निकाल लेंगे, फिर इन दोनों को पीछे से 2 का एक कर देंगे। अब हम इन 2 स्टिच को ड्रॉप नहीं करेंगे, धागा आगे करके इन 3 को एक कर लेंगे, 4
4 स्टिच को हम उल्टा बुन लेंगे। अब चूंकि हमारी राइट साइड है तो एस स्टिच हम सीधा बुनेंगे। अब हम डिज़ाइन की सेकेंड रो पे हैं रॉन्ग साइड, एस स्टिच को हम उतार लेंगे या बुन लेंगे। जो फंदा चौथा हमने उल्टा बुना था, अब यहाँ पे इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे। जो हमारा एक स्टिच एक्स्ट्रा हो गया था तो इन दो को हम एक कर देंगे, तो अब ये हमारे 4 स्टिच हो गए। फिर से देखिए, सीधा तो हमने जो उल्टा बुना था उसको सीधा बना लिया। ये जो दो हैं इन फंदों को हम एक कर देंगे। तो ये हमारे 5 स्टिच थे, अब ये 4 के 4 हो गए जो कि हमारे स्टार्टिंग में थे। ये दो है, इनको एक कर देना है। जो ये पीछे उल्टा था इसको हम सीधा बुनेंगे। लास्ट सेट पे चूंकि ये हमारी रॉन्ग साइड है तो एस स्टिच हम उल्टा बनाएंगे। तो इन्हीं 2 रोज को हम बार बार रिपीट करेंगे। जब हम इन 2 रोज को बार बार रिपीट करेंगे तो ये हमारा डिजाइन इस तरह बैठेगा। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप ऐसे ही सुंदर सुंदर वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।